हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, यहां पर आज हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जिसके बारे में दोस्तों आप सभी लोग बहुत बार सुन चुके हैं कि ये क्या होता है, लेकिन दोस्तों मैं इसको यहां पर बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बाद में दोस्तों इसका देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस इसकी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है। एक एक वर्ड दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी मैं यहां पर बोलने वाला हूं। तो दोस्तों प्लीज थोड़ा सा अपना यहां पर ध्यान लगाइए और वीडियो को अच्छे से देखिए कि मैं क्या कह रहा हूं और कहने का क्या मतलब है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, रेनॉल्ड्स नंबर एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू दी विस्कस फोर्सेस। अब दोस्तों यहां पर आप दोनों इन वर्ड से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, किससे, इनर्शियल फोर्सेस से और विस्कस फोर्सेस से। इनर्शिया तो दोस्तों जब से सुनते आ रहे हैं, जब से दोस्तों हमने साइंस पढ़ना स्टार्ट करा है, इनर्शिया क्या होती है ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि ये रेशियो ने क्या बोला है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो रेशियो होता है इनर्शियल फोर्स टू दी विस्कस फोर्स। अब दोस्तों यहां पर ये इनर्शियल फोर्स क्या होता है फ्लूइड के अंदर, रेनॉल्ड्स नंबर दोस्तों क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करता है किसी भी फ्लूइड के फ्लो को, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इतना याद रखिए। फिलहाल यहां पर दोस्तों मैंने क्या बताया, रेनॉल्ड्स नंबर रेशियो होता है किसका, इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स। अब दोस्तों यहां पर इनर्शियल फोर्स का मतलब दोस्तों क्या होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनर्शियल फोर्स दोस्तों वो फोर्स होता है जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो दोस्तों क्या करता है, अपनी पोजिशन में चेंज होने को रेजिस्ट करता है। तो दोस्तों ऐसा ही फ्लूइड के अंदर होता है, जब भी हम किसी फ्लूइड को फ्लो कराने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों वो भी अपनी पोजीशन को रेजिस्ट करता है, वो भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। तो दोस्तों ये जो फोर्स हुआ रेजिस्टेंस फोर्स, ये फोर्स इसका रेशियो डिवाइडेड बाय द विस्कस फोर्स। अब दोस्तों विस्कस फोर्स भी आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, विस्कस फोर्स दोस्तों वो फोर्स होता है जो उसकी किसकी स्टिकनेस के कारण होता है, स्टिकनेस के कारण जो दोस्तों उसका फोर्स होता है वो दोस्तों क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर। अब दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा क्या होगा, जो भी हमारा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। दोस्तों देखते रहिए जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो दोस्तों क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर डाउन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर विस्कोसिटी में और आपको रेनॉल्ड्स नंबर में क्या पता चल गया, एक रिलेशन भी पता चल गया, विस्कोसिटी भी पता चल गई, यहां पर दोस्तों आपको एक इनर्शियल फोर्स भी पता चल गया और दोस्तों आपको पता चल गया कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब दोस्तों एक्चुअल मीनिंग यहां पर हम इसका देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इसका क्या, फॉर्मूला। दोस्तों फॉर्मूला में एक टर्म है दोस्तों यहां पर एल, इस एल से दोस्तों बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे सोचते हैं कि दोस्तों ये डायमेंशन है, ये लेंथ है, नहीं दोस्तों ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर डायमेंशन। क्या होती है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर डायमेंशन, यहां पर दोस्तों एल का मतलब होता है। एक एक चीज दोस्तों नोट करते रहिए जो मैं बता रहा हूं, या फिर आप वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको दोस्तों सूटेबल हो। अब दोस्तों यहां पर रो क्या होती है, रो होती है दोस्तों डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सभी को पता है। यू क्या हो दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। एल क्या दोस्तों, जो मैंने आपको बता चुका हूं इंपोर्टेंट करके, लीनियर डायमेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर डायमेंशन। अब दोस्तों यहां पर इस लीनियर डायमेंशन का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लीनियर डायमेंशन का, याद रखिए फ्लो जो दोस्तों हमारा फ्लूइड फ्लो होता है किस टाइप से होता है, दो तरह के मीडियम में फ्लो होता है, पहला कौन सा, पाइप फ्लो, और दूसरा दोस्तों ओपन चैनल फ्लो। तो दोस्तों जब भी हम पाइप फ्लो की बात करेंगे तो दोस्तों ये लीनियर डायमेंशन जो दोस्तों इसकी होगी वो क्या होगी, इसका डायमीटर होगी। लीनियर डायमेंशन दोस्तों क्या होगी, डायमीटर, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, पाइप फ्लो की। अगर दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात करें दोस्तों ओपन चैनल फ्लो, जैसे कि मतलब रिवर कैनाल, तो दोस्तों यहां पर ये क्या होगी, इसकी विड्थ ऑफ द चैनल होगी। विड्थ ऑफ द चैनल दोस्तों क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर डायमेंशन होगी। और दोस्तों जब हम पाइप फ्लो की बात करें तो दोस्तों इसका डायमीटर होगा क्या, यहां पर। इसीलिए दोस्तों आप बहुत से फॉर्मूले में यहां पर क्या देखते हैं, इसे डी भी देखते हैं, इसे दोस्तों बी भी देखते हैं, यहां पर इसका दोस्तों ये मतलब होता है। और दोस्तों न्यू, यहां पर ये जो म्यू है, म्यू का मतलब दोस्तों यहां पर क्या होता है, ये इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी होती है। अब दोस्तों हम डायनेमिक विस्कोसिटी और दोस्तों काइनेमेटिक विस्कोसिटी में एक रिलेशनशिप जाता है, क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। ये दोस्तों क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, किसका रिलेशनशिप होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी में। तो दोस्तों हम इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने आपको बता दी, इससे रिलेटेड, रेनॉल्ड्स नंबर से रिलेटेड जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देख लेते हैं कि नोट मिड इसके बारे में, रेनॉल्ड नंबर दोस्तों क्या होती है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वालिटी होती है इसकी दोस्तों, कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है,
रेनॉल्ड नंबर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं ये क्या डिफाइन करता है, फ्लूइड फ्लो के टाइप को हमें बताता है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो क्या होते हैं तो दोस्तों आप यहां पर जाकर, मैंने ये लिंक दे दिया है, आप यहां ऊपर देख सकते हैं, यहां पर आपको लिंक शो हो रहा होगा, वहां पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं कि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होते हैं। और दोस्तों बहुत सारे टाइप के फ्लो मैंने यहां पर आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो बना सकती हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको पता चलेगा रेनॉल्ड नंबर का क्या यूज होता है। अब दोस्तों पाइप, जैसे कि मैंने आपको बताया था पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो दोनों के अंदर बता चुका हूं। अब यहां पर दोस्तों जैसे कि आपको पता चल चुका है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है और ट्रांजिशनल फ्लो क्या होता है। तो दोस्तों लेमिनार फ्लो के लिए जब हम बात करें किसकी, पाइप फ्लो की, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 2000 होनी चाहिए। जब हम बात करें दोस्तों टर्बुलेंट फ्लो की, तो दोस्तों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4000 होनी चाहिए। अब दोस्तों ट्रांजिशन फ्लो का मतलब भी यहां पर आपको बता देता हूं, बहुत से लोगों को मतलब नहीं पता होता। इसका मतलब दोस्तों होता है ट्रांजिशनल फ्लो का मतलब कि जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारा फ्लो है उसके अंदर दोस्तों लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो दोनों की प्रॉपर्टी होती है। मतलब दोस्तों ये इन दोनों के बीच की एक कंडीशन होती है जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फ्लो होते कहते हैं। इसीलिए दोस्तों यहां पर बता रखा है कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 होनी चाहिए, मतलब लेमिनार फ्लो किससे ज्यादा हो और दोस्तों टर्बुलेंट फ्लो से कम हो। तो दोस्तों ये एक बीच की कंडीशन होती है लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किसकी, ओपन चैनल फ्लो की। ओपन चैनल फ्लो में दोस्तों ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। जब हम बात करेंगे रेनॉल्ड नंबर की तो दोस्तों लेस देन 500 होगी, अगर हम बात करें दोस्तों टर्बुलेंट फ्लो की तो दोस्तों 1000 से ज्यादा होगी, और दोस्तों जब हम बात करेंगे ट्रांजिशनल फ्लो की तो दोस्तों वही दोनों के बीच की वैल्यू 500 से ज्यादा और दोस्तों 1000 से कम। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा, वीडियो दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी फीडबैक है आप मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपने चैनल को